बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि अभिषेक से पहले करिश्मा कपूर की शादी होने वाली थी, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी वजह रही कि ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन और जया बच्चन ने चुन लिया। रिपोर्ट की माने तो अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त ये कि ऐश्वर्या शादी के बाद फैमिली के साथ एक ही छत के नीचे रहेंगी। रिपोर्ट की माने तो करिश्मा कपूर नहीं चाहती थी कि अभिषेक शादी के बाद अपने माता पिता के साथ रहे। इसी वजह से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। वहीं ऐश्वर्या ने अभिषेक की ये शर्त मान ली और खुशी खुशी वो उनके सास ससुर के साथ लंबे वक्त तक रही। ऐश्वर्या की इसी बात से बच्चन परिवार काफी इम्प्रेस हुआ था। तभी तो बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या बनी। गौर करने वाली बात तो ये है कि ऐश्वर्या राय की जोड़ी अभिषेक बच्चन से जब बनने जा रही थी, उस वक्त बच्चन फैमिली अचानक ही ऐश्वर्या के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए थे, जिसको देखने के बाद ऐश्वर्या खुद हैरान हो गई थी। हालांकि फिलहाल लंबे वक्त से दोनों के डाइवोर्स की खबरें काफी चर्चाओं में थी, लेकिन डाइवोर्स के साथ साथ ही जैसे ही कई वीडियो सामने आई और इन दोनों की नजदीकियों के बारे में चर्चाएं की गई, तो इसी बीच में डाइवोर्स के तमाम कयासों पर फुल स्टॉप लग गया है और अब ये परिवार खुशी खुशी एक छत के नीचे रह रहा है।